हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर फ्रॉम 3rd to 6th July 2024। सो ये है हमारे आज का कोट ऑफ द डे। सो हमारा सबसे पहला जो दोस्तों जो आज करंट अफेयर इज अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई एक सिटी है चाइना की, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड इन 2001, ठीक है। 2001 में एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सेक्रेटरीट कहाँ पर है, बीजिंग में, बीजिंग द कैपिटल ऑफ द चाइना, ठीक है। तो सेक्रेटरीट इसकी बीजिंग में है। अब इसका फॉर्मेशन का गोल्स क्या थे, ठीक है, इसके फॉर्मेशन में गोल्स क्या थे, तो प्राइमरी गोल्स इसका था इन्हांस रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। जो रीजनल सिक्योरिटी है, फॉर एग्जाम्पल कि जो मिलिटेंसी वगैरह, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, तो रीजनल सिक्योरिटी जो भी है जिसकी वजह से वो सब मेंटेन रखना, ये इसका गोल था। नेक्स्ट इज कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म के रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, अगर टेररिज्म होने वाला है उनको, तो उस चीज़ को डील करने के लिए सारी कंट्रीज जो हैं वो कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है। बिकॉज अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान वाला रीजन, इसमें जो टेररिस्ट ग्रुप है इनके हाइड आउट्स हैं, ठीक है, तो इससे ये इनका इनफिल्ट्रेट करना चाइना, इंडिया और बाकी जो ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इनके अंदर इनफिल्ट्रेट करना इन मिलिटेंट्स ग्रुप्स का, टेररिस्ट का इजी पॉइंट है। तो ये जो ग्रुपिंग बनी इसको यही डील करना था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनके हाइड आउट्स यहाँ पर हैं वो इजिली इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए, ठीक है, हम कुछ सॉल्यूशन निकालें उसके लिए, ठीक है, कोऑपरेट करें, सारी कंट्रीज कोऑपरेट करें और बाई चांस ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको डील कर लें। तो ये कॉम्बैट टेररिज्म करने के लिए सेपरेटिज्म आई होप आपको पता होगा, एक कंट्री को सेपरेट करवा लेना, अपने एक रीजन को सेपरेट करवा लेना, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए SCO जो रीजनल ग्रुपिंग है उसको बनाया गया। और एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीमिज्म मीन्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कुछ आइडियाज, कि जैसे रेड कॉरिडोर हमारा इंडिया में जो हमारा नक्सल मूवमेंट चल रही है वो एक एक्सट्रीमिज्म फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, हम गवर्नमेंट खुद चलाएंगे, तो वो है एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ। तो अगर ऐसी कुछ मूवमेंट चले, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म वगैरह, तो उन चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास SCO एक रीजनल ग्रुपिंग है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर भी हमारे पास एक ग्रुपिंग है विच इज UN, यूनाइटेड नेशन का भी यही काम है, बट ये जो SCO है वो हमारे रीजनल लेवल पर है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, फाउंडिंग मेंबर्स इसके चाइना, ठीक है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। आपको पता है कि इनका रीजन यही था बिकॉज इनका ये जो इनको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास ही है अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान 1979 से ये अनरेस्ट में है, कभी USSR वहाँ पर अटैक कर देता है, कभी USA अटैक कर देता है, फिर मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पर इमर्ज होते हैं तो वो फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं नियर बाई एरियाज़ में, तो उनके पास तो यही है ना, सेंट्रल एशिया ही है, ठीक है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, चाइना है, तो इनको डील करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाएगी ताकि टेररिज्म स्प्रेड ना हो, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड ना हो, तो इन चीज़ों को डील करने के लिए ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिली, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री चाइना और रशिया के साथ मिलकर इन्होंने एक बना दी ग्रुपिंग विच इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5 कंट्रीज आती हैं, विच इज कजाकिस्तान एक, ये वाली आ गई कजाकिस्तान, ठीक है, ये आ गई कजाकिस्तान, ठीक है, नेक्स्ट इज उज़्बेकिस्तान, ठीक है,
उज़्बेकिस्तान, देन किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, देन इज तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और है तुर्कमेनिस्तान। एक चीज़ दोस्तों नोट करना, इस ग्रुपिंग में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। आपको एग्जामिनर यही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालेगा, वो तुर्कमेनिस्तान का भी नाम डालेगा, तो वो बोलेगा कि तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, मेंबर्स के नाम डाल देगा जिसमें तुर्कमेनिस्तान का नाम भी डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको याद रखना है ये जो वेस्ट पर है तुर्कमेनिस्तान, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। टर्की से आप याद रखना, टर्की वेस्ट पर है, उसके साथ तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट नहीं है, बाकी सब हैं, कजाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है और तजाकिस्तान भी है, बट तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट नहीं है। न्यू मेंबर्स कौन है, ठीक है, 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया और ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि न्यू मेंबर्स कौन है, जो रिसेंटली जिन्होंने, वो फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये सारे जो हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, दीज आर फाउंडिंग मेंबर्स, ये 2001 से ही इस ग्रुपिंग के अंदर थे। बट जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान, जिन्होंने ज्वाइन किया 2017 में, और ईरान ने 2023 में, ठीक है। सबसे पहला मेंबर इज चाइना, देन रशिया, ओके, ये बड़े मेंबर्स आ गए, देन उससे बड़ा फिर कजाकिस्तान के, फिर किर्गिस्तान, देन तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये फाउंडिंग मेंबर्स आ गए, ठीक है। 2017 में ज्वाइन किया हमारे इंडिया ने और पाकिस्तान ने, ठीक है, और 2023 में ज्वाइन किया ईरान ने, ठीक है। तो ये है आपके लिए SCO, इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुपिंग से पूछा जा सकता है कि विच ऑल आर दी मेंबर्स ऑफ द SCO, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 आपको पता है, चंद्रयान 3 हमारा एक मून मिशन था जिसमें हमने अपना एक लैंडर भेजा था, ठीक है, लैंडर विज प्रज्ञान, ठीक है। तो प्रज्ञान लैंडर ने कुछ अनवील किए हैं, अनवील न्यू इंसाइट्स ऑन मून साउथ पोल। आपको पता है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया, ठीक है, फोर्थ कंट्री बनी लैंड करने वाली मून पर और फर्स्ट कंट्री बनी साउथ पोल पर लैंड करने वाली। अब हमारा जो प्रज्ञान रोवर था, ऑर्बिटर तो हमने चंद्रयान फर्स्ट से ही डाल दिया था, 2008 में जो हमारा चंद्रयान 1 हुआ था तो उसमें ऑर्बिटर हमारा पहले से मून के ऑर्बिट में था, ठीक है, 2008 से वो था, बट 2019 वाला चंद्रयान 2 वो फेल हो गया, आपको पता है। फिर 2023 में हमारा चंद्रयान 3 गया, उसमें लैंडर भी था, ठीक है, और रोवर भी था। तो प्रज्ञान जो रोवर था, प्रज्ञान रोवर ने मूव किया उसने, ठीक है, चला वो, कितना उसने ट्रैवल किया, उसने 103 मीटर ट्रैवल किया मून के सरफेस पर, 103 मीटर्स उसने ट्रैवल किया, ठीक है। तो जो प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर हैज़ मेड नोटेबल डिस्कवरीज जैसे एट द मून साउथ पोल, पर्टिकुलरली अबाउट रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है, उसने रॉक्स के बारे में बताया, रॉक फ्रेगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन्स, इन्हांसिंग ल्यूनर जियोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। तो उसने रॉक फ्रेगमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका ऑरिजिन क्या है, तो वो सब बताए मून के साउथ पोल पर जो, और उससे हमें क्या पता चला, हमें इन्हांस हुई हमारी ल्यूनर जियोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। तो मून की जो अर्थ के बारे में, मून की जो लैंड है उसके बारे में जो नॉलेज है वो हमारी बढ़ गई, ठीक है, प्रज्ञान रोवर से। अब रोवर ने क्या किया, द रोवर विच लैंडेड ऑन अगस्त 2023 ट्रेवल्ड 103 मीटर्स, रिवीलिंग दैट द नंबर एंड साइज ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स इंक्रीज एज इट मूव्ड 39 मीटर्स वेस्ट फ्रॉम इट्स लैंडिंग साइट, ठीक है। तो इसने क्या रिवील किया कि जब वो मूव किया कहाँ पर, जब वो लैंड हुआ, उस जगह का नाम है जिस जगह पर लैंड हुआ हमारा प्रज्ञान रोवर, जो लैंडर हमारा लैंड हुआ जहाँ पर, उस जगह का, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा लैंडर लैंड किया, ठीक है, और वहाँ पर ही रोवर निकला उसके बीच में से, ठीक है। तो रोवर ने क्या किया, रोवर शिव शक्ति पॉइंट से 39 मीटर
वेस्ट मूव किया फ्रॉम इट्स लैंडिंग साइट, तो वहां पर उसको क्या दिखा, उसको दिखा कि जैसे वो 39 मीटर्स वेस्ट पर चला तो उसके जो रॉक फ्रेगमेंट्स थे उनके साइज बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये है हमारा चंद्रयान 3 ने कुछ नए चीज़ें बताई हैं मून के साउथ पोल के बारे में, मून की जियोलॉजी के बारे में, मून की जो रॉक्स हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 मिशन है किसके बारे में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, कहाँ पर लैंड हुआ था। ठीक है, साउथ पोल पर लैंड हुआ था। ठीक है, और उसका कौन सी लॉन्च व्हीकल कौन सी यूज की थी, दैट वाज GSLV MK3। ठीक है, GSLV MK3 को यूज किया था इसको लैंड, इसको लिफ्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 3, फिर ये चीज़ें पता होना चाहिए साउथ पोल, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पर लैंड हुई है। ठीक है, हमारा चंद्रयान, अब हमारा गगनयान मिशन है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज दैट इज अबाउट नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान, संपूर्णता। तो नीति आयोग आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, 2015 में फॉर्म हुआ था एट द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग आ गया टू लॉन्च। उस नीति आयोग क्या करेगा, संपूर्णता अभियान एक लॉन्च करेगा। ठीक है, संपूर्णता अभियान, अब क्या चीज होती है, संपूर्णता का मीनिंग होता है कंप्लीट, संपूर्णता का मीनिंग होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये संपूर्णता अभियान जो है ये लॉन्च हुआ है, ये संपूर्णता अभियान चलेगा फ्रॉम जुलाई 4th टू सितंबर 30, ठीक है, 2024। इसका एम क्या है, एम्स टू अचीव सैचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये चीज़ है कि नीति आयोग ने एक स्कीम लॉन्च की थी, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या चीज़ है, आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा इंडिकेटर है, सबसे पहला इंडिकेटर इज हेल्थ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिकेटर रख लो आप। ठीक है, एजुकेशन रख लो आप, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंडिकेटर जब देखे उन्होंने, इन इंडिकेटर्स में इन हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट में और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी बैकवर्ड थे। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया और इनको बोला गया अब हम क्या करेंगे, ये हमारे बन गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया, ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हम इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो 112 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किया गया, फिर उन पर फोकस किया गया। ठीक है, उन पर जो स्कीम्स स्टेट की चल रही थी और जो स्कीम सेंटर की चल रही थी उनको क्लब कर दिया, उनको इकट्ठा कर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ी सी फंडिंग बढ़ाई वहाँ पर। ठीक है, और मैन पावर बढ़ाया गया, एक्सपर्टीज वगैरह बढ़ाया गया, तो उसकी वजह से अब हमारे जो इंडिकेटर्स हैं ये सब इंडिकेटर्स ये काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे प्रॉपर, रोड्स नहीं थी, लोगों को पहुंच ही नहीं पाते थे हॉस्पिटल्स तक, तो इस वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी। ठीक है, काफ़ी वगैरह डिजीज़ वगैरह थी, बच्चे अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट लोग ज़्यादा थे। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। ठीक है, रोड्स नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। तो ये हैं, तो अब जो हमारी नीति आयोग ने क्या किया है कि हम इस ये जो 3 मंथ का कैंपेन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे ये की इंडिकेटर्स हैं इनको सैचुरेट करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये अच्छे हो जाए, मतलब इम्प्रूव कर जाए, यानी बाकी डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उनके लेवल के इक्वल हो जाएं। ठीक है, उनके बराबर हो जाएं। तो ये इनका अभियान है जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ठीक है, तो अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बाद अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का एक इनिशिएटिव भी लाया है कि वो ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स अगर कुछ वो हैं बैकवर्ड हैं तो उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा ऑन द लाइन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे वैसे ही कुछ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स भी बनाए गए जो बैकवर्ड थे तो उनको डेवलप किया जाएगा।
जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था लॉन्च हुआ था 2018 में, और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ है 2023 में, ठीक है। दिस थ्री मंथ कैंपेन फोकस ऑन ए सस्टेन्ड एफर्ट टू इम्प्रूव क्रिटिकल डेवलपमेंट मीट्रिक्स अक्रॉस दिस रीजन, ठीक है। तो अब ये थ्री मंथ कैंपेन में से इसका काम क्या है कि जो क्रिटिकल डेवलपमेंट मीट्रिक्स हैं, ये तो क्रिटिकल डेवलपमेंट वाले जो ये इंडिकेटर्स हैं इनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपके लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या चीज़ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है, दिस इज एन इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2018 टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म दीज डिस्ट्रिक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली बाई फोकसिंग ऑन की सेक्टर्स, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्या थे, इम्प्रूवमेंट इन की सेक्टर, जैसे हेल्थ पर फोकस करना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारा मिड डे मील स्कीम वगैरह, ठीक है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स या प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि जो बेबीज़ हैं, ठीक है, इन्फेंट्स हैं, तो वो ग्रो अच्छे से हो जाएं, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसको इम्प्रूवमेंट करना था। दूसरा, इसको कन्वर्ज करना था, किसको कन्वर्ज करना था, कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो जो अलग अलग जो स्कीम, कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग स्कीम चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्कीम चला रही है, लोकल गवर्नमेंट अलग स्कीम चला रही है, तो उन सबको कन्वर्ज करना था इकट्ठा मिलाकर। तो एक ही बंदे को बोला था, एक ही डिपार्टमेंट को बोला, आप इंप्लीमेंट करो सबको, ठीक है, तो सेपरेटली मत करो, कोऑपरेट करो, ठीक है। तो वो चीज़ थी इसकी, ठीक है, कन्वर्ज किया। फिर कोलैबोरेशन इसमें होगी, कोलैबोरेशन, इनकरेज कोलैबोरेशन अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो कोलैबोरेट करो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके इकट्ठे होकर काम करो, ठीक है, सेपरेट नहीं, अपने स्कीम्स लाओ और उनको इम्प्लीमेंट करो। फिर एक कॉम्पिटिशन भी लाया गया, ठीक है, फोस्टर ए सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स टू इनकरेज देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। नीति आयोग ने एक इंडेक्स लाया, ठीक है, एक इंडेक्स लाया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स का ही इंडेक्स लाया, ठीक है। उसमें हर साल नीति आयोग क्या करता है कि इन इंडिकेटर्स पर हर इन डिस्ट्रिक्ट्स को, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग देता है, तो उससे एक कंपटीशन इंसान के अंदर आता है, ठीक है, एक कंपटीशन आएगा, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, डीसी होगा, तो उसको लगेगा कि यार मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे आ रहा है, तो मुझे कल अकाउंटेबिलिटी, लोगों को पता चल रहा है कि हम कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, तो उससे कंपटीशन आ जाता है, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिससे कंपटीशन आया, ठीक है, इंडेक्स लॉन्च करने से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इंडेक्स प्रोग्राम, तो उसमें रैंकिंग दी जाती थी कि कितने रैंक पर आप आ रहे हो, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें थी ये। तो ये है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऐसा ही है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, सेम है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट द पॉवर्टी, ओके, नेक्स्ट इज पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी इन इंडिया ड्रॉप्ड एट 8.5% इन 2022 to 2024 NCAER की रिपोर्ट है, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो ड्रॉप कर गई है, कम हो गई है, ठीक है, 8.5% पर पहुंच गई है 2022-2024 में, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड फ्रॉम 21.2%, मतलब इंडिया में पॉवर्टी थी 21.2% इन 2011-2012, 2011-12 में इतनी पॉवर्टी थी, और अब जो है 2022-2024 में 8.5% ही रह गई है डिस्पाइट पैंडेमिक चैलेंजेस, ठीक है। तो आपको पता है COVID-19 पैंडेमिक आया था, तो उसके चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया की जो पॉवर्टी है वो सिर्फ 8.5% ही अब रह गई है, इसके अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पेपर, ठीक है, रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन चेंजिंग सोसाइटी, ये उनका पेपर था, ठीक है, पेपर उन्होंने एक लॉन्च किया, पेपर पब्लिश किया, तो उसमें लिखा था कि इंडिया की पॉवर्टी कम हो गई है, ठीक है। द रिपोर्ट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय सोनाल्डे देसाई, ठीक है, ये NCAER के एक
साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट ऑथर की है, सोनाल्डे देसाई ने। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन डिमांड अडेप्टेबल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम टू एड्रेस इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आपको अडेप्टेबल जो सोशल, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया जीडीपी में इंक्रीज, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज करेगी, इकोनॉमी आपके जो हमारे लोग हैं उनकी, सिटीजन्स की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी घटेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी घटेगी, तो उस वो क्या डिमांड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन डिमांड करता है अडेप्टेबल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। सोसाइटी जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो पेंशन स्कीम्स हैं, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, गर्ल्स को पेंशन स्कीम्स मिलती हैं, ठीक है, कुछ पेंशन वगैरह मिलती हैं, वो होती हैं सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, यानी सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम कुछ भी, जैसे पॉवर्टी होगी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जब प्रोटेक्ट करता है तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन ज़रूरत होती है, उसके बिना सोशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। और इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स, ठीक है, सोसाइटी की जो भी नीड्स नई नई बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं सोसाइटी की नीड्स, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है कि इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है फ्रॉम, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज, इंडिया टू चेयर एंड होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन। ठीक है, इंडिया क्या करेगा, इंडिया होस्ट करेगा 46th सेशन किसका, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21 टू 31 2024 एट भारत मंडपम। ठीक है, प्रगति मैदान। ठीक है, तो इंडिया होस्ट करेगा 46th सेशन किसका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का न्यू दिल्ली में। अब क्या है कि ओवर 2500 डेलीगेट्स आ रहे हैं फ्रॉम 195 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्टेट पार्टीज, एडवाइजरी बॉडीज, डिप्लोमैट्स, हेरिटेज एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और रिसर्च विल अटेंड। ठीक है, तो आपको पता है कि यूनेस्को का, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें जिसका कल्चरली बड़ी इंपॉर्टेंट हो, नेचुरल साइट्स कुछ, ठीक है, नेचुरल चीज़ें जो बहुत अच्छी हों, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, यूनेस्को का काम होता है। तो यूनेस्को का जो 46th सेशन होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो कहाँ पर होगा, दिल्ली में। ठीक है, तो ये है विशाल, जो विशर्मा है, विशाल शर्मा, वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनेस्को के अंदर। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, यूनेस्को है क्या चीज़ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक लैंडमार्क, ठीक है, या एरिया होता है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वो क्या होती है, वो एक लैंडमार्क या एरिया होता है विद लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, उसको लीगल प्रोटेक्शन होती है, लॉ के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूएन के अंडर एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंडर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को, दीज साइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड आर लीगली प्रोटेक्टेड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, तो इन साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है कल्चरल, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल को इंपॉर्टेंस है, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कितने पुराने टाइम से वो यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो ये होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, तो इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ था। ठीक है, तो लीगली प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ठीक है, सबसे पहली जो एक कल्चरल साइट है इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपको पता होगा आई होप, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस लिए बनी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी
इन्वेडर्स, ठीक है, जो लोग आक्रमण करते थे किसी के चाइना में जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, आक्रमण करते थे, तो उनको उनको उनसे उनको रोकने के लिए ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, 39,000 किलोमीटर लंबी ये है, 39,000 किलोमीटर इतनी लंबी ये वॉल है, ठीक है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी, तो ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में है, ठीक है। देन पिरामिड्स ऑफ गाजा, गाजा के पिरामिड्स तो आपको पता होंगे, ठीक है, जहाँ पर ममीज रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये हैं पिरामिड्स ऑफ गाजा, ये कल्चरल साइट है, तो इसको इसलिए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला। देन इज हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम, रोम आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी, तो वहाँ पर चर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा है पुरानी, तो इस वजह से जो हिस्टोरिक सेंटर है रोम का इटली में, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। देन कुछ नेचुरल साइट हैं, वो ये कल्चरल साइट, देन कुछ नेचुरल साइट जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए की एक नेशनल पार्क है और वर्ल्ड की सबसे पहली नेशनल पार्क है, ठीक है। 1872 में इसको बनाया गया था, येलोस्टोन नेशनल पार्क वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसमें क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में गीजर्स हैं, गीजर्स होते हैं ना, गर्म पानी जो छोड़ता है, अर्थ से गर्म पानी निकलता है, ठीक है, तो फाउंटेन्स जैसा कुछ गर्म पानी निकलता है, तो वो बहुत निकलते हैं गीजर्स, और वहाँ पर फ्लोरा फौना काफ़ी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स वगैरह हैं, तो इसलिए उसको नेचुरल साइट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में येलोस्टोन नेशनल पार्क को डाला है। देन नेक्स्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ, आई होप आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ पर कहाँ क्या है, वहाँ पर हमारे कॉरल रीफ्स है, कॉरल रीफ सबसे बड़ा अगर कोई रीफ है कॉरल रीफ, तो वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पर है, ठीक है, तो विच इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी टूरिज्म आते हैं वहाँ पर, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो इस वजह से उसको डाला हुआ है नेचुरल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। देन इज गैलापागोस आइलैंड आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा, पैसिफिक ओशन में हमारा इक्वेडोर कंट्री के वेस्ट पर हैं। अब ये गैलापागोस आइलैंड आई होप आपने सुना होगा, ठीक है, आपकी 10th क्लास की हमारी जो साइंस की जो हमारी बुक है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन है, गैलापागोस आइलैंड। आपने डार्विन थ्योरी तो पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, जो डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो बताया था, तो वही यहीं पर बताया था, गैलापागोस आइलैंड जो इक्वेडोर के वेस्ट पर है, तो ये वही आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है यहाँ पर, तो उसने काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा फौना, ठीक है, एनिमल प्लांट्स यहाँ पर हैं, तो डार्विन ने ये जो स्टडी की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, वो यहीं पर दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गैलापागोस आइलैंड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल साइट में डाला। फिर कुछ मिक्स साइट होती हैं, मिक्स साइट यानी जहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस भी हो नेचुरल भी हो, एक माचू पिचू है पीरू के अंदर, ठीक है, तो माचू पिचू, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी पुरानी मान लो कि वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, ठीक है, वहाँ पर हैं, तो और प्लांट्स एनिमल्स वगैरह, ठीक है, फ्लोरा फौना काफ़ी है, तो इस वजह से उसको वो ट्राइब्स वगैरह भी काफ़ी हैं, तो इस वजह से उसको कल्चरल और नेचुरल साइट में माचू पिचू को डाला। फिर माउंट एथोस ग्रीस में है, ठीक है, माउंट एथोस को वर्शिप किया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको माउंट एथोस को भी डाला है। टास्मेनियन वाइल्डनेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप ये चीज़ें हैं आपके लिए, आपको इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को की वर्ल्ड यूनेस्को साइट होता गया है, यूनेस्को क्या चीज़ होती है, तो उसमें कुछ साइट्स आपको थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हमारा एक मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस को सिलेक्ट किया है फॉर म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट 2023-2024। आपको पता है कि FATF देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, इस टाइम इंडिया के अंदर काफ़ी चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ड्रिंग का मीनिंग होता है कुछ धोना, ठीक है, वॉश करना, तो जब ब्लैक मनी ठीक है थ्रू एनी मीन्स वो अर्न किए हों, ठीक है, टैक्सेस को सेव कर करप्शन ब्राइबरी कर तो अगर ब्लैक मनी को सेव किया हो और उसको वाइट करना है, ठीक है, उसको वॉश करना है, लॉन्ड्रिंग करनी है, तो इसीलिए उसका नाम रखा मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको ब्लैक से वॉश कर वाइट में लाना है, वाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए काफ़ी जैसे कुछ
उस पैसे को फॉरेन भेजा जाता है, फिर फॉरेन से कुछ इनकम बनाकर उसको दिखाया जाता है कि मेरी इनकम है, उसको वापस इंडिया में लाया जाता है। तो ये चीज़ होती है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट रोकने के लिए टेररिज्म की फाइनेंसिंग, अब वो ब्लैक मनी टेररिज्म में भी यूज होती है, ठीक है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये ब्लैक मनी पहुंचती है, ठीक है। दूसरी ड्रग्स में भी ये ब्लैक मनी यूज होती है, जो ड्रग्स माफियाज होते हैं वो भी ये ब्लैक मनी यूज करते हैं और टेररिस्ट को भी देते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल मीन्स मनी, इट्स रिलेटेड टू मनी, तो फाइनेंस में डील कर, ये इसका काम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो एक जैसे हमारी इंडिया के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स होती है जिसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो जाए, ठीक है, कुछ रॉयट्स वगैरह के रॉयट्स हो जाए तो उसमें रोकने के लिए, जैसे इसका काम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना, कुछ भी, तो वो हो गए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब क्या किया है कि जो हमारी मुथूट फाइनेंस है उसको चूज़ किया है, चूजन एज द ओनली इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो क्या करेगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हेल्प करेगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को म्यूचुअल इवेल्युएशन, वो कंपनीज को इवेल्युएट करेगी, ठीक है। उसको क्या, वो क्या करेगी, इवेल्युएशन करना, एनालाइज करना उनके उनके उनकी बुक्स वगैरह को, ठीक है, जो उनके अकाउंट्स की बुक्स वगैरह उनको ये मुथूट फाइनेंस चेक करेगी, किसके साथ मिलकर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए। कि तो ये इंडिया की पहली अकेली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने साथ लिया है इस काम के लिए, ठीक है। अब FATF बनी कब थी, FATF एस्टेब्लिश हुई थी 1989 में और उसने पॉलिसीज बनाई किसको कॉम्बैट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग को और अदर थ्रेट्स टू द फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकिंग वगैरह में कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर कोई करे तो उसको, उसके साथ डील कौन करेगा, उसके साथ डील करेगा FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये कुछ येलो लिस्ट, ब्राउन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट बनाते हैं किसी कंट्रीज, अगर किसी इनको लगे कि कोई कंट्री टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली पाकिस्तान को ब्राउन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में नहीं, ब्राउन लिस्ट में डाला था, ठीक है, ग्रे लिस्ट में डाला था इन्होंने। तो ग्रे लिस्ट में रीजन यही था कि उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को बोला था कि आपकी जो टेररिज्म फंडिंग हो रही है उसको रोक दिया जाए, तो पाकिस्तान ने बोला नहीं हमारे यहाँ तो टेररिज्म है ही नहीं है, तो फिर उन्होंने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ठीक है। दूसरा हमारे नॉर्थ कोरिया, वो ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, रशिया ब्लैक लिस्ट में है। तो ये सब चीज़ें ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, विच इज़ इन पेरिस फ्रांस, ठीक है, और FATF के प्रेजिडेंट हैं टी राजा कुमार, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट PM नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि ड्रोन, तो आपको पता होगा क्या होता है ड्रोन, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, जिसमें कोई मैन तो नहीं होता पर वो उड़ता है, तो उसको कहते हैं अनमैन्ड UAVs, ठीक है, UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ड्रोन को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कैसे, देखो अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि अंडर द इनिशिएटिव जो रूरल वुमेन होंगी आर ट्रेंड, रूरल वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा टू बिकम ड्रोन पायलट्स, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो ड्रोन को उड़ा पाए, ठीक है, ड्रोन पायलट्स बनाया जाए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर में ड्रोन का क्या काम है, तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, द इनिशिएटिव एम्स टू इक्विप 15,000 वुमेन को इंडिया में, जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें क्या किया जाएगा, उनको एग्रीकल्चरल जो ड्रोन्स होती हैं उनको असिस्टेंट टास्क सच एज क्रॉप मॉनिटरिंग, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू क्रॉप को मॉनिटर करना, ठीक है, ड्रोन्स जाएंगे ऊपर उड़ते उड़ते और क्रॉप्स को देखेंगे कि क्रॉप्स ठीक हैं, ठीक है, बीच में ना जाकर ऊपर से क्रॉप्स को वो देखें क्रॉप ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ पेस्ट वगैरह तो नहीं लग गया, कोई और डिजीज़ तो नहीं लग रही है, तो वो सब चीज़ें क्रॉप मॉनिटरिंग करेंगे ये ड्रोन्स, ठीक है। स्प्रे करेंगे क्या, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर, ठीक है, ड्रोन्स आपने देखा भी होगा कभी वीडियोज़ में कि ड्रोन्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, ठीक है, और सोइंग सीड्स, और सीड्स को भी सो कर लेते हैं ड्रोन्स। तो इन सब चीज़ों में ये जो वुमेन्स होंगी इन वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो पायलट बन जाएं, ठीक है, वो ड्रोन्स को हैंडल करेंगी, वो ड्रोन्स को कंट्रोल करेंगी, उनको उड़ाएंगी। तो ये इट इज़ नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, तो ये सब काम करना है इन वुमेन पायलट्स ने, ड्रोन पायलट्स ने, ठीक है। अब ये स्कीम लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ठीक है,
तो इसमें फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वही ये काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है साथ इसके, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ओवरसी दी स्कीम, ठीक है। तो ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ये ओवरसी करेंगी स्कीम को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पीएम नमो ड्रोन दीदी किस चीज़ के बारे में है, तो वो वुमेन्स को ट्रेन करना, ड्रोन पायलट्स बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर, ठीक है। जो हमारा भारत पेट्रोलियम, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देता है, पेट्रोल रिफाइनरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट एक कंपनी है BPCL, वो उसने क्या किया है, उसने पार्टनर किया है इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसको एज ए प्रिंसिपल स्पॉन्सर। यानी अब जो भी पैसा, ठीक है, जैसे मान लो हमारा IPL है, तो IPL का स्पॉन्सर चेंज होते रहते हैं, जैसे पहले वीवो था, फिर टाटा IPL आ गया, तो ये क्या होते हैं, ये स्पॉन्सर करते हैं, यानी ये कुछ पैसे देते हैं उनको, ठीक है, उनका जो भी खर्चा होगा, ठीक है, वो उनको पैसे देते हैं। तो वैसे ही जो हमारा BPCL है, वो जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है उसका प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो भी पैसे चाहिए होंगे वो मिलेंगे BPCL से, ठीक है। और BPCL को क्या मिलेगा, BPCL को मिलेगी पॉपुलैरिटी, एडवर्टीजमेंट मिलेगी, ठीक है, पॉपुलैरिटी मिलेगी, एडवर्टीजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो IPL में कोई स्पॉन्सर क्यों बनता है, एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, पॉपुलैरिटी के लिए। तो जो हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो पार्टनर किया है विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द प्रिंसिपल पार्टनर 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, कवरिंग पेरिस ओलंपिक। आपको पता है जुलाई में अब पेरिस ओलंपिक्स होने हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स जो हैं 2024 जो समर ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो पेरिस में हो रहे हैं, ठीक है, और 2028 वाले जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स वो USA लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, और 2036 के लिए इंडिया ने बिड किया है, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए कि 2036 के लिए इंडिया ने बिड किया है ओलंपिक्स यहाँ पर इंडिया में करवाने के लिए, और कुछ 6 स्पोर्ट्स हैं जो इंडिजीनियस स्पोर्ट है हमारे इंडिया के, उनको भी ओलंपिक्स में ऐड करने के लिए वो भी इंडिया ने बिड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, हमने करंट अफेयर में ये कवर की थी चीज़ें, जो रेगुलरली देखेगा तो उसको पता होगा चीज़ें, ठीक है, एक कनेक्शन बन जाएंगे, लिंक्स बन जाएंगे चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज मध्य प्रदेश CM मोहन यादव लॉन्चेस लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक, ठीक है। अब ये लोकपथ मोबाइल ऐप क्या है, लोकपथ का मीनिंग हुआ लोगों के लिए जो रास्ते होते हैं, ठीक है, यानी रोड्स। तो एक लोकपथ मोबाइल ऐप बनाई है पब्लिक के लिए। अब इसका काम क्या है, जो हमारे CM मोहन यादव हैं उन्होंने लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल ऐप भोपाल में टू रिजॉल्व पब्लिक रोड इशू विद इन 7 डेज। अगर कोई पब्लिक का रोड इशू होता है तो विद इन 7 डे उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो ये है लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है। ऐप किसने डेवलप की, ऐप डेवलप बाई MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अलोज द पब्लिक, अब इससे पब्लिक को हेल्प क्या होगी, पब्लिक टू रिपोर्ट रोड प्रॉब्लम्स, कोई भी रिपोर्ट प्रॉब्लम्स होगी रिपोर्ट की रोड की, तो वो पब्लिक इजिली ऐप पर शो कर पाएगी, दिखा पाएगी, कंप्लेंट रेज कर पाएगी, और उससे होगा क्या, इंश्योर्स ऑफिसर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जो भी ऑफिसर वहाँ पर होगा, लोकल ऑफिसर PWD का, तो PWD ऑफिसर वो कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कि आपने क्यों नहीं देखा कि रोड में पॉट होल्स हो गए हैं, तो आपने, तो वो सब चीज़ें अकाउंटेबिलिटी उससे पता चल जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो विद इन 7 डेज वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। अब इसका एम क्या है, एम्स फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, पता होगा कि जो सीनियर्स होंगे उनको पता होगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा जो लोअर लेवल पर ऑफिसर है JEE वगैरह वो कौन करप्शन कर रहा है, जो कौन काम नहीं सही से कर रहा जिसकी वजह से पॉट होल्स हो रहे हैं। द ऐप टारगेट्स फास्टर इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टेट 40,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड एड्रेसिंग इशूज लाइक पॉट होल्स। तो इस ऐप का टारगेट क्या है, इम्प्रूव करना स्टेट की जो 40,000 किलोमीटर रोड है उससे जो पॉट होल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। तो इंडिया में ये है सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकपथ मोबाइल ऐप किस स्टेट के CM ने लॉन्च किया है, तो वो है हमारे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग हेल्ड एट भारत मंडपम, ठीक है। अब पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भारत मंडपम क्या चीज़ है, हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, यूनेस्को का जो हमारा
मीटिंग हो रही है, समिट हो रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, वो भी भारत मंडपम में ही हो रहा है। अब रिसेंटली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए, G20 मीटिंग जो हमारी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो भारत मंडपम में ही हुई थी, ठीक है। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज भारत मंडपम, है क्या चीज़ है ये। तो भारत मंडपम एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। तो एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, जो कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, इंडिया, ठीक है। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्ड एट प्रमोटिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर शो किया जाता है, बिकॉज एग्जीबिशन है, मेला लगता है यहाँ पर, एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर है, काफ़ी बड़ा है, G20 की सारी मीटिंग यहीं पर हुई थी, ठीक है। तो प्रमोटिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, ट्रेड प्रमोट करना, कॉमर्स प्रमोट करना ऑन ए इंटरनेशनल स्केल, तो इंटरनेशनल जो मीटिंग्स वगैरह यहीं पर करवाई जाती हैं, तो ताकि इंडिया का कल्चर वगैरह पता चले, ट्रेड कॉमर्स वगैरह। तो ये है हमारा भारत मंडपम, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि भारत मंडपम क्या चीज़ है, ठीक है। एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जहाँ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंडर लोकेटेड है, ठीक है। अब जो हमारा ग्लोबल कॉन्क्लेव है, ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग पर, ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग मीन्स प्लास्टिक को रिसाइकिल करना, ये नहीं कि डंप कर देना ओशंस में, और ओशंस में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसको रिसाइकिल करो, प्लास्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको रिसाइकिल करो, नया मत प्रोड्यूस करो। तो ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और सस्टेनेबिलिटी एम्ड टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकिलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी टू प्रमोट सर्क्युलैरिटी, ठीक है। जो ग्लोबल कॉन्क्लेव हो रहा है हमारा प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर, उसका एम क्या है, वो एम कर रहा है एम टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको एड्रेस करना, उसको मैनेज करना, रिसाइकिल करना उस प्लास्टिक को, ठीक है, फिर से यूज़ करना, और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ताकि ऐसा प्लास्टिक हो कि वो सस्टेनेबल रहे, काफ़ी टाइम तक रहे, ये नहीं कि नया प्लास्टिक बनाते जाओ, पुराने ही प्लास्टिक को यूज़ करना, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स में। तो एक सर्क्युलैरिटी, ठीक है, सर्क्युलैरिटी मेंटेन करना, ठीक है, यूज करना, बार बार यूज करना उसको, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंडियाज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ने हाईलाइट किया कि इंडिया ग्रोथ कितनी हो सकती है इंडिया की प्लास्टिक रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री की, वो डाली 6.9 बिलियन, ठीक है। अगर कोई प्लास्टिक रिसाइकिलिंग में काम कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया अगर प्लास्टिक रिसाइकिलिंग पर काम करेगी तो इंडिया इतने पैसे कमा सकती है, $6.9 बिलियन, ठीक है, तो ये काफ़ी पैसे होते हैं बाय 2033, इतनी बड़ी मार्केट ये बन सकती है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की। स्ट्रेसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, और उसने स्ट्रेस किया कि रेगुलेटरी कंप्लायंस होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कंपनीज प्लास्टिक बना रही हैं, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, तो वो कंपनीज का ही मैंडेट होना चाहिए, ठीक है, कि वो खुद से कलेक्ट करें, ठीक है, अपना प्लास्टिक जो उन्होंने प्रोड्यूस किया अपने कंज्यूमर्स को दिया, तो वो प्लास्टिक वापस उन्हीं का ही काम होना चाहिए, उसको वापस रिकलेक्ट करना और उनको रिसाइकिल करना, ठीक है, उसको कहते हैं EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, EPR होता है, उसको कहते हैं EPR मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वापस रिकलेक्ट करना, EPR, ठीक है। तो ये है हमारा प्लास्टिक रिसाइकिलिंग, ठीक है, और भारत मंडपम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट डिफेंस प्रोडक्शन। रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया रीचेज रुपीज़ 1.27 लाख करोड़, ठीक है। तो इंडिया ने डिफेंस जो प्रोडक्शन किया है, डिफेंस में जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, कितने की प्रोड्यूस की हैं, 1.27 लाख करोड़, ठीक है, इतना डिफेंस का जो हमने इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर लिया है इंडिया का। आपको पता है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, कि मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, कि हम खुद हर चीज़ बनाएंगे, तो उसमें डिफेंस भी है, डिफेंस में भी हम हर चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम हर चीज़ बनाएंगे इंडिया के अंदर। तो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन जो है हिट अ रिकॉर्ड ऑफ रुपीज़ 1.27 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2023-2024, ग्रोइंग 16.7% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर से 16.7% की इंक्रीज हुआ है, और 60% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2019-2020, ठीक है। तो 60% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2019-2020, जब हमने प्रमोट किया था, सबसे पहले लॉन्च किया था सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है कि 60% इंक्रीज हो गया है, अब हम 1.27 लाख करोड़ का डिफेंस का सामान हम खुद बना रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट।
जो सर्ज है, इंक्रीज है, द सर्ज इज एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जैसे मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और डिफेंस एक्सपोर्ट आपको पता है कि रिसेंटली हमने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उस वो फिलीपींस को हम बेच रहे हैं, ठीक है, फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीद भी चुका है वो, तो ये चीज़ है, इससे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज हमसे डिफेंस के प्रोडक्ट्स ले रही है, ठीक है। तो इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट विच रीच रुपीज़ 21,083 करोड़ रुपीज़, ठीक है, इतना हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है, ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हमने 21,000 करोड़ रुपीज़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी कर दिए हैं, ठीक है। जो हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनीज, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं 79.2% प्रोडक्शन में, और जो हमारी प्राइवेट हैं वो 20% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ठीक है। तो ये है आपके लिए न्यूज़ कि हमारा डिफेंस जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था वो अच्छा चल रहा है, और हमने 1.27 लाख करोड़ के इक्विपमेंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक कंपेन लॉन्च हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है, विच इज़ एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। तो आपको इसमें एक सैपलिंग लगानी है, पेड़ लगाना है तो मदर के नाम पर। तो क्या कह रहा है कि 5.5 करोड़ ट्रीज, ठीक है, 5.5 करोड़ ट्रीज विल बी प्लांटेड इन मध्य प्रदेश अंडर द एक पेड़ माँ के नाम कंपेन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम कंपेन कहाँ पर, कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है। इट इज़ लॉन्च्ड इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। कंपेन विल बी इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन यादव, ठीक है। तो किस कौन लॉन्च करेगा इस कंपेन को, वो दैट विल बी लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन यादव, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट किया है, इट इज़ बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश हैड सेट ए रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग इन अ डे इन द कंट्री, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दिन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग लगाई थी 2017 में, ठीक है। तो ये है आपके लिए करंट अफेयर, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, तो ये आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज अबाउट द जीका वायरस। आई होप आपने सुना होगा इसके बारे में, जीका वायरस, बीच बीच में इसकी न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। तो जीका वायरस क्या है, एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस है, ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न यानी मॉस्किटो से स्प्रेड होता है ये, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कौन सा मॉस्किटो जीका वायरस को स्प्रेड करता है, प्राइमरली स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो विच इज एडिस एजिप्टाए, एडिस एजिप्टाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीका वायरस इज स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टाए मॉस्किटो। ये ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिट यानी एक से दूसरे में जा सकता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड जैसे मदर से फीटस में जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई मदर प्रेगनेंट है तो अगर उनको जीका वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है तो फीटस जो है, जो वूम्ब में बच्चा होगा, तो उसको भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये है हमारे जीका वायरस, ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकता है। अब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जीका वायरस स्प्रेड हो जाता है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर किसी का ब्लड लेते हो उसको जीका वायरस की इन्फेक्शन थी तो वो भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। और इसका एक आरएनए जीनोम है, ठीक है, आरएनए जीनोम है, दस हैज़ ए वेरी हाई पोटेंशियल टू एक्यूमुलेट म्यूटेशन, ठीक है। एक डीएनए होता है, आपको तो पता होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक सिंगल स्टैंड होता है, डबल स्टैंड होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होती है हमारा जितना भी जीन्स वगैरह, हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंड होता है, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक लैडर होती है सीढ़ी, बट जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो सिंगल रहता है ऐसे, आरएनए डीएनए। तो जब दो ये डीएनए के में म्यूटेशन करनी यानी चेंजेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आरएनए सिंगल होता है, ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो ये अपने में म्यूटेशन बड़ी जल्दी कर सकता है। तो जो हमारे हमारे वायरस होते हैं वो आरएनए होते हैं, वायरस जो हमारे होते हैं आरएनए होते हैं, तो उनमें म्यूटेशन इसी वजह से, आरएनए जो वायरसेस होते हैं उनके वैक्सीन बनाने डिफ़िकल्ट इसी वजह से होते हैं, बिकॉज उनमें क्या होता है, आरएनए होता है।
तो उनमें म्यूटेशन यानी चेंजेस बड़ी जल्दी हो जाती हैं, तो उनका वैक्सीन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है उनका। तो ये हमारा जो कोविड 19 वायरस है, देखो इसके कितने वेरिएंट्स आ गए, तो उसका रीज़न यही है कि आरएनए, उसके अंदर जो आरएनए होता है, उसका जो जेनेटिक जो डाटा होता है, जेनेटिक रिकॉर्ड होता है, तो जीन्स वगैरह होती हैं वो आरएनए में स्टोर होती हैं, तो आरएनए काफ़ी जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता है, तो ये रीज़न है। तो ये जो फ्लैजिका वायरस है ये भी आरएनए जीनोम का होता है, और इसके हाई पोटेंशियल होता है टू एक्यूमुलेट म्यूटेशन, ठीक है, तो चेंजेस बहुत जल्दी कर देता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, वायरसेस की। ऑफन ए सिम्टोमेटिक, यानी इसमें सिम्टम्स तो स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जिका वायरस हो चुका है, तो ए सिम्टोमेटिक होता है व्हेन प्रेजेंट। कॉमन सिम्टम इसमें क्या है, फीवर होगा, जॉइंट पेन होंगे या मसल पेन होगा, तो ये है हमारा जिका वायरस, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी चीज़ें, इसमें स्प्रेड कौन करता है, एडीज एजिप्टाइम, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इज अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, वट इज़ दिस नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, ये नेशनल क्वांटम मिशन जो प्लान है, इट इज़ फ्रॉम 2023-2031। मैं आपको बताऊँगा, ये थोड़ा आपको क्या पता डिफिकल्ट भी लग सकता है कि एक वट इज़ दिस क्वांटम मिशन, मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा वेट करें। तो ये मिशन प्लान हुआ है फ्रॉम 2023-2031, ठीक है। इसका काम क्या है नेशनल क्वांटम मिशन का, इसका काम है एम्स टू स्केल अप द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिस्टम पर, उसको कहते हैं सिस्टम होता है 0-1 वाला, अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं, जिसने अगर आपने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है, 0 और 1 पर काम करता है, ठीक है, 0-1, 1-0 ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं ऑन, इसको कहते हैं ऑफ, इसको कहते हैं ऑन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बाइनरी इसको कहते हैं, बाइनरी, तो ऑफ ऑन पे काम करता है, ठीक है। बट ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है ना, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी एट ए टाइम ये 0-1 भी हो सकती है, ये 1-0 भी हो सकती है, फिर 1-1 भी हो सकती है, तो मतलब ये कुछ भी हो सकती है एट ए टाइम ये, तो इसकी इस मतलब इसका ये है कि एक फेज़ में नहीं रहता, ये काफ़ी मल्टीपल फेज़ में एट ए टाइम काम कर सकता है, ठीक है। ये क्वांटम का बेनिफिट क्या है कि ये जो कंप्यूटर होते हैं 0-1 वाले, ठीक है, 0-1, 1-0 एट ए टाइम या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, बट ये जो क्वांटम वाले होते हैं वो डबल काम कर सकते हैं, ट्रिपल काम कर सकते हैं, वो एट ए टाइम 2-3 फेजेस में रह सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये है कि हम कैलकुलेशन करनी हो कुछ भी, ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो इस क्वांटम कंप्यूटर्स में हम इजीली काफ़ी बड़ी बड़ी जो डाटाज उनको एनालाइज करके हमें दे सकता है, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। इम्प्लीमेंटेड कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल क्वांटम मिशन को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा, हमें इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं विद 50-100 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 ईयर्स, ठीक है। क्यूबिट्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, तो इसका टारगेट यही है कि इंटरमीडिएट स्केल पर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं इन्होंने इतने, जिसका क्यूबिट्स 50 से 1000 क्यूबिट्स हो 8 ईयर्स में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिया विल बी 7th कंट्री टू हैव ए डेडिकेटेड क्वांटम मिशन, ठीक है। तो इंडिया एक 7th कंट्री बन गई है जिसका एक डेडिकेटेड क्वांटम मिशन है, वो अपने लिए क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहती है। अब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी लिवरेजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स द फंडामेंटल थ्योरी दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द स्मॉलेस्ट स्केल सच एज एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। आपको पता है कि मतलब सबसे कम चीज़ अगर कोई इसी चीज़ से बनी है, कोई भी प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, एटम से बना है, एटम्स के अंदर भी कुछ होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी न्यूट्रिनोज होते हैं, प्रोटीनोज होते हैं, ठीक है। तो जब हम सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज पर काम करने लगते हैं, ठीक है, जब उन चीज़ों में हम डील करते हैं, तो सब एटॉमिक लेवल पर स्मॉलेस्ट स्केल पर अगर हम चले जाते हैं और हम जो पार्टिकल्स हैं हमारे एटम्स वगैरह और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके बिहेवियर को जब हम स्टडी करने लगते हैं, तो वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जब हम स्मॉलेस्ट स्केल पर एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक हम चले जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनको जब हम स्टडी करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है, वो इनका पास क्या करती है, वेरियस
एप्लीकेशन एंड हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज फील्ड सच एज कंप्यूटिंग। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि हम अपने जो कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स हैं उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कंप्यूटर बनेंगे कि वो विद इन सेकेंड करोर्स ऑफ टास्क एट ए टाइम कर सकते हैं। वो इतना ज़बरदस्त उनमें पोटेंशियल होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हमारे पुराने वाले कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी फेज में काम करते हैं। 1001 एक सिस्टम होता है उनके अंदर, 1001 में। आप कभी देखना, थोड़ा सा गूगल भी करके देखना कि बाइनरी क्या होता है। हमारे जो इंपॉर्टेंट, हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो किस चीज़ बेसिस पर काम करते हैं, 1001। बट ये जो होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, ये सुपर पोजिशन में काम करते हैं, सुपर पोजिशन। ठीक हो, क्रिप्टोग्राफी हो गया। ठीक है, क्रिप्टो तो आपको पता होगा, क्रिप्टोग्राफी जो हमारा बिटकॉइंस वगैरह हैं वो क्रिप्टोग्राफी पर काम करते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है क्रिप्टोग्राफी में कि एक बंदा कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, सारा डाटा एक नहीं कोई कंट्रोल करेगा, सब कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी, सेंसिंग, कम्युनिकेशन में इनको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे इसके प्रिंसिपल क्या हैं, ये क्वांटम मैकेनिक किस पर काम करता है, एक होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी अगर आप एक जगह हो, ठीक है, मान लो आप ए पॉइंट पर हो और दूसरा पॉइंट है बी, आप एट ए टाइम एक ही पॉइंट पर हो सकते हो। बट ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ये एट ए टाइम दोनों जगह हो सकता है। ये ए पर भी होगा, ये बी पर भी होगा, चाहे वो कितनी दूर हो। ठीक है, तो ये है सुपरपोजिशन। ठीक है, इस वजह से, बट जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो जीरो होंगे या वन होंगे। ठीक है, या वन होगा या जीरो होगा। बट ये क्या होता है, जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो एट ए टाइम जीरो भी होगा, वन भी होगा, वन भी होगा, जीरो भी होगा। तो ये चीज़ है, इसकी ये बेनिफिट है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल, क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, मल्टीपल स्टेट्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है एट ए टाइम। अनलाइक क्लासिकल सिस्टम, जो क्लासिकल सिस्टम पुराने सिस्टम है वो ऐसे नहीं, मल्टीपल स्टेट में नहीं रह सकते, विच आर इन ए सिंगल स्टेट एट एनी गिवन टाइम। तो उसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन। दूसरा होता है इंटेंगलमेंट, एक होता है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बिकम इंटेंगल्ड, मीनिंग इंटेंगल में होता है फंस जाना। जैसे देखो दो चीज़ें, जैसे एक ये चीज़ है और दूसरी ये चीज़ है, इसको कहते हैं इंटेंगल्ड। ठीक है, एक दूसरे में फंसे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये भी होता है, पार्टिकल्स कैन बिकम इंटेंगल्ड, मीनिंग द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ अनदर। ठीक है, एक स्टेट यानी एक, अगर आप मान लो कि आपकी फैमिली में एक इंसान दुखी है तो आप पर भी उसका असर होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो इंटेंगल्ड का फेज है, बिकॉज आप उनसे लिंक्ड हो, आप उनके साथ जुड़े हुए हो, आप उनका, जब आप एक फैमिली मेम्बर का पेन देखते हो तो आपको भी पेन फील होता है। तो वैसे ही ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एक को देखते हैं कि एक एनर्जेटिक है, एक एक जो पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल एनर्जेटिक है, तो वो दूसरा भी एनर्जेटिक हो जाता है उसको देखकर, तो उसको कहते हैं इंटेंगलमेंट। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यही इंटेंगलमेंट यूज़ करते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है। रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना मर्जी डिस्टेंस होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, एक एटॉमिक पार्टिकल्स अगर एनर्जेटिक है, दूसरा भी उसको देखकर हो जाएगा। तो ये है इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन, इस चीज़ पर ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है। ठीक है, कुछ क्वांटम टनलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम टनलिंग, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू बैरियर्स दैट वुड बी इनसरमाउंटेबल इन क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो वो कहीं से भी पास कर सकते हैं, थ्रू बैरियर्स ये पास कर सकते हैं, इनको कहते हैं क्वांटम टनलिंग। ठीक है, क्वांटम इंटरफेरेंस द फिनोमिनन वेयर क्वांटम स्टेट्स कैन ऐड और कैंसल ईच अदर आउट लीडिंग टू यूनिक कंप्यूटेशन। ठीक है, तो जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं, एक अगर ऐड, मतलब एक दूसरे को ख़त्म भी कर सकते हैं, एक अगर फिनिश हो गया दूसरा भी फिनिश हो जाएगा, जो इंटेंगलमेंट में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वांटम टेक्नोलॉजी में है। तो क्वांटम मिशन आपने देखा, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई। मैंने ट्राई किया था आपको समझाने की, नहीं आएगा तो आप थोड़ा गूगल पर भी सर्च कर लें, कोई वीडियो देख लें, अगर नहीं समझ आता तो, अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वहीं पर थोड़ा सा कुछ ट्राई करूँगा आपको बताने की। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर तो हुए कम्प्लीट। सो हमारे MCQs, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा MCQs, सबसे पहला हमारा MCQ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया
वो कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी इसमें वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? माचू पिचू, येलोस्टोन नेशनल पार्क, आईफिल टावर और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम, कौन सी नहीं है? आपको पता है, ठीक है। भारत मंडपम एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, वो कौन सी इंडियन सिटी में लोकेटेड है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और चेन्नई। यू नो द आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द डिफेंस सेक्टर? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है हमारा डिफेंस सेक्टर में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंक्रीज डिफेंस इंपोर्ट्स, ठीक है, प्रमोट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेटाइज डिफेंस इंडस्ट्रीज और इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। आपको आंसर पता है। नेक्स्ट इज द संपूर्णता अभियान एम्स टू अचीव व्हाट? ठीक है, संपूर्णता अभियान क्या एम करता है, क्या अचीव करने की? कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज, कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, टोटल लिटरेसी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको आंसर पता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरली बिल्ट फॉर विच पर्पज? ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस पर्पज के लिए बनाई गई थी? टू सर्व एज ए ट्रेड रूट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन, टू मार्क द बाउंड्री ऑफ चाइनीज एम्पायर और टू सर्व एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको पता है आंसर। FATF म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट असेस ए कंट्री कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्बैटिंग, क्या कॉम्बैट करने के लिए FATF म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट असेस करता है? क्लाइमेट चेंज, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। आपको आंसर पता है। विच प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अलोज पार्टिकल टू बी इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का है जो अलो करता है पार्टिकल को मल्टीपल स्टेट में होना, एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट में होना? वो क्या है? इंटेंगलमेंट है, सुपरपोजिशन है, क्वांटम टनलिंग है और क्वांटम इंटरफेरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड वो आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू विच साइंटिफिक थ्योरी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्वांटम थ्योरी और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। सो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर, आई होप आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड